इस आराधना की आखिरी हिस्से में मैं एक बात कहना चाहता हूँ सारे चर्च से कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। पौलुस कहता है कि अगर मैं जिंदा रहूंगा तो मैं अपने खुदावंद की सेवा करूंगा, पर अगर मैं संसार को छोड़ूं तो मैं उसके पास चला जाऊंगा। जितने भी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि हम एक कॉलिंग को कैरी करके चल रहे हैं। मैं यहाँ पर वेकेशन बनाने नहीं आया हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि खुदा ने बहुत अच्छी मिनिस्ट्री दी है चमकौर साहिब चर्च के लिए, और अब्रॉड में आप सब लोगों की सेवा करने का मौका मिला है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इस मैं अक्सर चर्चेस में ये कहता हूँ कि मैं जब भी आता हूँ 10 से 15 दिनों के लिए आता हूँ। परमेश्वर की मर्जी के अनुसार ये टूर थोड़ा सा लंबा हो गया, but according to God's will this tour was a little longer, क्योंकि ये टूर fundraising tour है, because this is a fundraising tour, क्योंकि चमकौर साहिब चर्च की बिल्डिंग जो है वो बनना शुरू हो गई है, because the चमकौर साहिब चर्च building is building, और वहाँ पर मेरे बड़े भाई पास्टर रमन और मेरे डैडी जी संत पास्टर चमनलाल जी मिनिस्ट्री कर रहे हैं। My older brother and my father is ministering over there. और प्रभु ने मुझे ये सेवा दी कि मैं उस चर्च को बिल्ड करने में उनकी सहायता कर सकूं, और आप सब लोग इस विजन में इस दर्शन में मेरे साथ हैं, मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। And God has given me this ministry to help them build that church and you are together with me in this. I thank God for और that. और कल का दिन आपके लिए बहुत खास होगा। And tomorrow is going to be a special day. क्योंकि जैसे पास्टर जी ने कहा कि कल हम लेहन प्रेयर करेंगे। As pastor told you all that we're going to have lehen service. आपको अनॉइंट किया जाएगा। You will be anointed. और आप सेम नहीं रहेंगे। And you won't remain same. अगर कोई कहता है कि मैं रूह में हूँ आत्मा में हूँ, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप कल डबल पोर्शन पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। If someone says that I'm in spirit, then tomorrow you receive double portion. देखो अलीशा जमीन मांग सकता था। You know, Alicia could have asked for कोई बड़ी चीज मांग सकता था। He could have asked for something larger. उसने ये लिया कि आत्मा का दुगना हिस्सा ही क्यों मांगा? But he asked for double anointing. और देखिए फिर वो आया भी। And see, it came as well. आप में से जितने विश्वास करेंगे मैं ईमान रखता हूँ कल आपके ऊपर दुगना हिस्सा आएगा यीशु मसीह के नाम से। Whoever will have faith, you will receive double anointing. बीमारों के लिए खास प्रार्थना होगी। We'll have special prayer for sick people. अगर आपके सर्कल में कोई दुखी है बीमार है परेशान है कमजोर है आप उसे लेकर आए। If you know someone that is sick or worried, bring them with you. क्योंकि जो बोझ खुदावंद ने हमें दिया है Because the burden God has put on us, ये लोगों के entertainment के लिए नहीं है। It is not to entertain people. ये उनकी बरकत के लिए है। It is to bless them. ये उनके छुटकारे के लिए है। It is to deliver them. ये उनकी आशीष के लिए है। It is to bless them. अपने हाथों को उठाएं। You can lift up your hands. और मेरे साथ एक लाइन को गाएं। We'll sing one line. जीना मेरे लिए मसीह, मरना लाभ है।